Do you think this is your time? यार जो हमारा पहला इसके अंदर फॉर्मूला है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का है, मतलब हम सबसे पहले टर्नओवर रेशियोज के साथ चालू कर रहे हैं और उसके अंदर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हमारा फर्स्ट है। अब इससे पहले ये इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो बेसिकली स्टॉक टर्नओवर रेशियो के नाम से जाना जाता था, अब ये चेंज होके हो चुका है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। ठीक है यार, तो इसका फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस होल अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस जो है ये डिराइव जनरली किया जाता है नेट सेल से। तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का मतलब यहां पे मैंने नेट सेल्स नहीं लिखा है, मेरा कहना है कि मोस्टली क्वेश्चंस में जब भी आएगा तो नेट सेल से पूछा जाएगा, तो इसको स्टार कर लेना कि हमेशा क्वेश्चंस जो हैं वो आपको डायरेक्टली कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस नहीं देंगे, वो बोलेंगे कि डिराइव करो काहे से उसे नेट सेल से। तो ये चीज आप हमेशा इसके अंदर याद रखना कि जनरली क्वेश्चंस आपको कंफ्यूज करते हैं। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस जो होता है वो एक्चुअल में होता है COGS, मतलब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ये पहले 11th तक आपने पढ़ा होगा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, लेकिन यहां पे आके इस साल जब वो एक्चुअल कंपनी अकाउंट्स का पार्ट हो गया है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पार्ट हो गया, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पार्ट हो गया है, जो भी बोलना है सबके अंदर यही आता है, तो अब उसे कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस नाम दिया जाता है और वो जनरली डिराइव किया जाता है नेट सेल से, जिसका नाम है, मैं लिख रहा हूं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। मतलब वो आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस के नाम से दिया होगा नेट सेल्स, आप रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस से कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को डिराइव करोगे। ये चीज दिमाग में बिठा लो, क्योंकि इसी तरीके से आप क्वेश्चंस को ज्यादा अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे। पहले तो इसको नोट कर लो, कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है। चलो आगे बढ़ते हैं कि कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को फाइंड आउट कैसे किया जाता है। मैं अभी उसे डिनोट कर रहा हूं COGS से, क्योंकि वो ज्यादा ईजी है यहां पे लिखना। आप याद करो आपने पिछले साल एक फॉर्मूला किया था इसके लिए, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, अब ये जो फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का, ये आपको सबसे ज्यादा यूज आने वाला है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को निकालने का एक और तरीका होता है और वो नेट सेल्स, मतलब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस कर दो अगर आप ग्रॉस प्रॉफिट को, तो इससे आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी आ जाता है। ये दो तरीके हैं जिससे आप फाइंड आउट कर सकते हो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, और जनरली इसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आते हैं। अब क्या क्या पूछा जा सकता है, देखो ये वाला फॉर्मूला जो है ना, ये बहुत सारी सिचुएशंस में लग सकता है। क्वेश्चन कैसे आ सकता है, मान लो आपको एवरेज स्टॉक क्वेश्चन में गिवन हो और आपसे बोला हो, ये गिवन है क्वेश्चन के अंदर, और आपसे बोला हो ओपनिंग स्टॉक निकालो क्लोजिंग स्टॉक निकालो, तो मे बी हो सकता है आपको इस फॉर्मूले की जरूरत पड़ जाए। हो सकता है क्वेश्चन में आपको कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया ही ना हो, तो फिर आपको ये सारी चीजें दी होंगी आप इसके थ्रू निकाल पाओगे। वो कंडीशन नहीं है तो एक और कंडीशन आती है जिसका हम अभी डिस्कशन करने वाले हैं। पहले मुझे पॉज करो और यहीं पे पूरी चीज लिख लो, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है तो मैं पूरा हटा के दोबारा लिखूंगा। अब कैसे करना है, देखिए जो मैं आपको बता रहा था, मैं आपको COGS का एक फॉर्मूला ऑलरेडी बता चुका हूं, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब यार और कैसे आपसे पूछा जा सकता है उसके बारे में सोचते हैं। देखो यार क्वेश्चन में क्या होगा, आपको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो गिवन होगा, ठीक है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आपको एवरेज इन्वेंट्री भी गिवन होगा और आपको बोलेंगे कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस फाइंड आउट करो। उसके लिए पता है क्या करेंगे, उसके लिए आपको नेट सेल्स दे देंगे, और नेट सेल्स भी नेट सेल्स के नाम से नहीं देते हैं, क्योंकि अब इसका नाम हो चुका है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। तो आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दे देंगे और साथ साथ में बोलेंगे जो नेट प्रॉफिट है, क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट दिया होगा वो बोलेंगे 10% है लेकिन ऑन कॉस्ट है। क्वेश्चन में सेल्स दिया हुआ है लेकिन परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट किस पे दिया हुआ है, कॉस्ट पे दिया हुआ है, और आपसे बोलेंगे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड फाइंड आउट करो। अब भाई आप कैसे करोगे यार, क्योंकि परसेंट तो कॉस्ट पे है और क्वेश्चन में सेल्स दिया हुआ है। तो ऐसी कंडीशन में अगर आपको निकालना हो तो आप क्या करोगे, मैं आपको फॉर्मूला बताता हूं। एक बात बताओ, अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट हो रहा है तो कॉस्ट से ज्यादा पे बेचा होगा तभी तो प्रॉफिट हुआ होगा, यानी सेल्स प्राइस ज्यादा रही होगी और जो कॉस्ट है वो कंपैरेटिवली कम रही होगी कॉस्ट प्राइस, तो मुझे लेसर वैल्यू निकालनी है। और लेसर वैल्यू निकालने के लिए जब भी कोई फॉर्मूला लगाते हैं तो हमें भी मालूम है कि हमारा डिनोमिनेटर जो आता है वो कंपैरेटिवली बड़ा होना चाहिए।
ठीक है, जब डिनोमिनेटर बड़ा होगा तो हमारी जो फिगर आएंगे वो भी छोटे आएंगे, तो कैसे करूं? देखो भाई, मुझे रुपीस निकालना है तो मुझे नेट सेल्स को तो लेना पड़ेगा जो कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, ठीक है, क्योंकि मुझे सीधे कॉस्ट निकालना है इसलिए मैं मल्टीप्लाइड बाय कर दूंगा 100, जो मैं टैक्स में तुम लोगों को फॉर्मूला सिखा चुका हूं अभी कुछ देर पहले ही पिछले वीडियो में। अब क्या करें हम, हमें कॉस्ट निकालना है, कॉस्ट की वैल्यू होती है कंपैरेटिवली कम, तो इसलिए मैं डिनोमिनेटर बड़ा लूंगा, इसलिए 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट कर दूंगा। जैसे ही 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट करूंगा मेरा डिनोमिनेटर कंपैरेटिवली बड़ा आ जाएगा और जो मेरी कॉस्ट आएगी वो कंपैरेटिवली कम आ जाएगी और वो सही कॉस्ट प्राइस आएगी, यानी कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। मान लो यार मुझे वो नहीं निकालना, मुझे सीधे क्या निकालना है, मुझे तो बताओ प्रॉफिट कितना हुआ। जैसे प्रॉफिट आए मैं सेल्स में से माइनस करूं, मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाए, उसके लिए कैसे निकालें? अगेन फॉर्मूला तो सेम है भाई, नेट सेल्स, बस इसमें चेंज हो जाएगा, यहां पे लिख दूंगा प्रॉफिट परसेंट होल अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। सर कैसे याद रखें डिनोमिनेटर में प्लस करना है या माइनस? बस लॉजिक लगाओ और ये याद रखो कि जो वैल्यू निकालनी है वो ज्यादा निकालनी है या कम निकालनी है। जैसे अभी जो वैल्यू निकालनी थी वो कम निकालनी थी, जिसके लिए डिनोमिनेटर हमने बढ़ा लिया है। और इस तरीके से याद रखोगे आपके लिए इस पर्टिकुलर टॉपिक का ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो नहीं बनेगा। मैंने सारे तरीके बता दिए, एवरेज इन्वेंट्री के लिए हो सकता है आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वाला वो फॉर्मूला लगाना पड़े, उसकी तरह से कर सकते हो। एक छोटी सी और चीज है जो इसके अंदर बतानी है, जल्दी से इसको लिख लो, नोट डाउन कर लो, तो वो भी बता देता हूं। तो चलिए एक सिनेरियो और देख लेते हैं जो कि अधिकतर लोगों को कंफ्यूज करता है और जहां पे तुम लोगों के मार्क्स कटते हैं इस पर्टिकुलर रेशियो के अंदर। क्वेश्चन में दिया हुआ है इन्वेंट्री इन द बिगनिंग इज 1.5 टाइम्स मोर देन दैट ऑफ इन्वेंट्री एट द एंड। इन्वेंट्री शुरुआत में, मतलब जो ओपनिंग इन्वेंट्री है, और दूसरी होगी आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो उन्होंने बोला है इन्वेंट्री इन द बिगनिंग इज 1.5 टाइम्स मोर, 1.5 टाइम्स नहीं है, 1.5 टाइम्स से ज्यादा है। तो अगर मैं क्लोजिंग इन्वेंट्री को लेता हूं x, तो 1.5 टाइम्स मोर का मतलब हुआ x प्लस 1.5x। जनरली क्या ले लेते हैं बच्चे, गलती क्या करते हैं, 1.5 टाइम्स सोचते हैं, 1.5 टाइम्स मोर नहीं देखते हैं और गलती कर बैठते हैं। यहाँ पे वो चीज़ क्लियरली बोली गई है, क्लोजिंग इन्वेंट्री को अगर मैं एक्स लेता हूँ, इन्वेंट्री एट द एंड के 1.5 टाइम्स मोर है, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री एक्स, तो वो जो थी वो तो है ही, उससे और कितना ज़्यादा है, ये तो है ही है ओपनिंग इन्वेंट्री, ये तो है ही है, इससे और कितना ज्यादा है 1.5 टाइम्स, यानी x में 1.5 टाइम का मल्टीप्लिकेशन करके यहां पे ये वैल्यू लोगे। फिर से बोल रहा हूं, इन्वेंट्री इन द ओपनिंग इज 1.5 टाइम्स मोर, ज्यादा है, तो ये तो है ही है, इससे 1.5 टाइम्स x और ज्यादा है। तो आपको इस तरीके से निकालना पड़ेगा, एवरेज इन्वेंट्री के फॉर्मूले में वैल्यूज इस तरह से पुट करनी पड़ेंगी, यानी जब आप एवरेज निकालोगे, एवरेज इन्वेंट्री, तो आप लिखोगे ओपनिंग ये है, तो आप लिखोगे x प्लस 1.5x प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री करते हैं जो कि x है, और डिवाइड बाय 2 कर दोगे, तब आपकी एवरेज इन्वेंट्री आएगी। जनरली बच्चे गलती क्या करते हैं, मैं वो भी लिख के बता देता हूं, बच्चे लिख देते हैं सिर्फ ओपनिंग, देखो ओपनिंग इन्वेंट्री को लिखेंगे 1.5x, क्लोजिंग को लिखेंगे x, डिवाइड बाय 2 कर देंगे, ये गलती करते हो। तो ये चीज जो है ये गलत है, ये चीज सही है जो अपन ने की है, ठीक है। तो ये चीज भी सीख गए, ये ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो के अंदर भी सेम ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, आप बस इस चीज का और ध्यान रख लेना, रेशियोज में कहीं गलती नहीं होगी। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसके अंदर क्या करना है यार, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो के अंदर देखो यार, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस तो आप सीख चुके हो, हमने हर सिनेरियो ले लिया कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कैसे निकाला जा सकता है, कैसे किया जा सकता है, तो उसके अंदर तो हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब आते हैं वर्किंग कैपिटल पे। अगर मैं वर्किंग कैपिटल का बेसिक फॉर्मूला भी लेता हूं तो वो होता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज, इसी तरीके से निकाला जाता है, कोई बहुत ही बड़ी चीज तो है नहीं, ठीक है भाई। तो मेरे हिसाब से ये चीज तो क्लियर है कि ये निकाला जाता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, ये तरीका होता है वर्किंग कैपिटल निकालने का। आई डोंट थिंक सो कि इसके अंदर आपसे कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज पूछ सकते हैं, आपके लिए सिंपल क्वेश्चन आएगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आएगा, आप बिल्कुल भी चिंता मत करना, सीधे सीधे आपका आंसर निकल के आएगा, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस जो होती हैं वो प्रीवियस रेशियोज में थी, इसके अंदर सीधे सीधे पूछा जाएगा, बस आप याद रखना कि वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज। क्वेश्चंस में कई बार हो सकता है डेट दिया हो, जैसा मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, अगर आप डेट में से लॉन्ग टर्म डेट माइनस कर दोगे तो आपकी करंट लायबिलिटीज आ जाएंगी, ठीक है। ऐसे ही टोटल एसेट्स दिए होंगे, आप टोटल एसेट्स में से, ध्यान रखना मैं जो लिख रहा हूं यहां पे, टोटल एसेट्स दिए हुए आपको क्या निकालने हैं, करंट एसेट्स निकालने हैं, ठीक है। अब अगर ये क्वेश्चन में टोटल एसेट्स दिए हैं तो आप करंट एसेट कैसे निकालो, करंट एसेट्स इक्वल्स टू क्या करोगे, टोटल एसेट्स
माइनस करो उससे, अगर क्वेश्चन में नॉन करेंट एसेट्स दिए हुए हैं तो, नहीं दिए नॉन करेंट एसेट्स तो देखो क्या दिया होगा, फिक्स एसेट्स दिए होंगे आपको वो माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। फिर लोन्स एंड एडवांसेस दिए होंगे वो माइनस करना पड़ेगा, फिर इन्वेस्टमेंट्स दिए होंगे वो माइनस करना पड़ेगा। जब इनमें से ये सारी चीज़ें आप माइनस कर दोगे तो जो भी आपके पास आएंगे वो कहलाएंगे करंट एसेट्स। इस तरीके से भी आप फाइंड आउट कर सकते हो करंट एसेट्स को, अगर इसमें कॉम्प्लिकेटेड तरीके से देने की कोशिश करें भी। और एक और तरीका होता है, मान लो आपको टोटल लाइबिलिटीज दी हूँ और आपको बोला हो करंट लाइबिलिटीज निकालो भाई, टोटल लाइबिलिटीज दी हो और शायद दिया हो कैपिटल एम्प्लॉयड, तो आप कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस कर दो टोटल लाइबिलिटीज में से, क्योंकि लाइबिलिटीज जो होती है वो तीन चीजों से बनती है भाई, शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लाइबिलिटीज और करंट लाइबिलिटीज, ठीक है। जो कैपिटल एम्प्लॉयड होती है उसके अंदर दो चीजें आ जाती हैं, शेयर होल्डर्स फंड, और एड कर दो इसमें नॉन करंट लाइबिलिटीज, इन दोनों से तो कैपिटल एम्प्लॉयड होती है। तो टोटल लाइबिलिटीज में से अगर शेयर होल्डर फंड और नॉन करेंट लाइबिलिटी हटा दिया, जो कि कैपिटल एम्प्लॉयड के नाम से भी जाना जाता है, तो जो बचेगा वो करंट लाइबिलिटी होगा। ज्यादा से ज्यादा इस तरीके से पूछेंगे, इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाएंगे नहीं, तो आपका इस तरीके से भी करंट लाइबिलिटीज आ जाएंगी, करंट एसेट आ जाएंगे, इससे ज्यादा तो वो कुछ भी नहीं करेंगे, ठीक है। तो चलो ये भी हो गया वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, बाकी दो छोटे छोटे वो भी देख लेते हैं। तो चलो यार एक बार रिवीजन करते हैं, हमने अभी तक क्या क्या कर लिया है ताकि हमें याद हो जाए और हमें ये भी लगे कि हम मेहनत कर रहे हैं। तो आप लोगों से क्या दरखास्त है कि जल्दी से अपनी कॉपीज बंद करो और मेरे साथ रिवीजन चालू करो। सबसे पहले हमने किए लिक्विडिटी रेशियोज, लिक्विडिटी रेशियो के अंदर पहला कौन सा किया, बिल्कुल सही बोल रहे हो, करंट रेशियो। करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या था, करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज, क्लियर है, बिल्कुल सही है। फिर आ जाते हैं लिक्विड रेशियो पे, लिक्विड रेशियो के अंदर हमने फॉर्मूला याद किया लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज, ठीक है। लिक्विड एसेट्स कैसे निकाले हमने, करंट एसेट्स में से स्टॉक को माइनस किया और प्रीपेड एक्सपेंसेस को माइनस किया, और मैंने तुम लोगों को उसका रीजन भी सिखाया कि अगर करोगे तो क्यों करोगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इसके बाद हम लोग आए सॉल्वेंसी रेशियोज पे। सॉल्वेंसी रेशियो के अंदर सबसे पहला हमने किया टोटल एसेट टू डेट रेशियो, कि हमारे पास कितने एसेट होने चाहिए डेट के अकॉर्डिंग में, और वो हमने सीखा कि टोटल एसेट्स हमारे पास टू टाइम्स होने चाहिए इन अकॉर्डिंग टू द डेट, और टोटल एसेट टू डेट का फॉर्मूला भी था टोटल एसेट अपॉन लॉन्ग टर्म डेट, डेट हमेशा कौन सा लेना है इसमें, लॉन्ग टर्म लेना है, क्या ये चीज क्लियर है। फिर आगे हम बढ़े, आगे हमने सीखा डेट टू इक्विटी रेशियो, डेट टू इक्विटी रेशियो हमने सीखा कि मैक्सिमम आरबीआई की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग कितना है, 2:1 है, ये मैंने तुम लोगों को क्लियरली सिखाया, आइडियल रेशियो नहीं है डेट टू इक्विटी, आइडियल रेशियो होता ही नहीं है, इंडस्ट्रियल रेशियो जो है वो 1.67:1 के आसपास होता है, इंडस्ट्रियल मतलब जो इंडस्ट्री में एक ट्रेंड देखा गया है, ठीक है यार। तो जो डेट टू इक्विटी रेशियो है उसका फॉर्मूला था डेट अपॉन इक्विटी, और डेट का मतलब होता है लॉन्ग टर्म डेट, यानी लॉन्ग टर्म नॉन करंट लाइबिलिटीज बेसिकली बोल सकते हैं, अपॉन क्या किया था अपन ने, बिल्कुल सही बोल रहे हो, शेयर होल्डर्स फंड, यस, आहा क्या बात है, बस ऐसे ही तो पढ़ना है यार, अगर ऐसे पढ़ लिए तो मजा आ गया, ठीक है। फिर आगे अपन ने क्या किया, आगे अपन ने उसके बाद किया था प्रोप्राइटरी रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला क्या था यार, शेयर होल्डर्स फंड अपॉन टोटल एसेट, कि टोटल एसेट का जो कॉम्पोजिशन है उसमें से शेयर होल्डर्स फंड का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है, तभी अपन ने निकाला था शेयर होल्डर्स फंड अपॉन टोटल एसेट्स, ये वाला फॉर्मूला भी हो गया। फिर लास्ट मैंने आपको सॉल्वेंसी के अंदर करवाया था इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, याद है उसका फॉर्मूला था नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड अपॉन इंटरेस्ट पेबल, 4:2:6 तो ऐसे ही हो गए यार। और फाइनली मैंने जो अभी एक फॉर्मूला और करवा दिया है, दो फॉर्मूले और करवा दिए हैं, पहला तो मैंने तुम लोगों को करवाया इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का, जो के होता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, बोल रहा था सॉरी यार ना ऑपरेशन जा रहा था गलत हो गया था, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, ठीक है, ये फॉर्मूला था इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का। फिर अपन ने लास्टली किया जो अभी करा वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, और उसका फॉर्मूला था नेट सेल्स, मतलब इसको जो अपन बोलते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन वर्किंग कैपिटल, और वर्किंग कैपिटल को कैसे निकालते हैं, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। अपन ने 8 फॉर्मूले याद कर लिए, देखो ये तरीका होता है पढ़ने का, मैंने क्या बोला रेशियोज में कितने क्वेश्चन सॉल्व कर लो मजा नहीं आएगा जब तक कंसेप्ट बिल्डअप नहीं है और ये नहीं पता कि फॉर्मूले कौन से लगने, हम वही रिविजन कर रहे हैं कि फॉर्मूलोज को कैसे, फॉर्मूलोज को भाई आज क्या हो रहा है यार मुझे यार पता नहीं,
तो भाई कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे निकालते हैं, वर्किंग कैपिटल कैसे निकालते हैं, क्वेश्चंस में क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस दिए होते हैं, वो सब कर लिया, रेशियोज आपको वैसे ही निकालना आ जाएंगे। चलिए दो और बचे हुए हमारे टर्नओवर रेशियोज के अंदर, एक है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर, एक है ट्रेड पेबल टर्नओवर, वो भी कर लेते हैं। तो यार इसके फॉर्मूले याद करना बड़ा आसान है। जो रिसीवेबल्स होता है वो पैसा है जो हमें अभी तक नहीं मिला है और मिलेगा फ्यूचर में। अब यार जब ये टर्म यूज करते हैं ना यार ट्रेड रिसीवेबल्स, तो तुम लोगों को क्या लगता है यार ये शायद सिर्फ बिल्स रिसीवेबल के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में ये बिल्स रिसीवेबल का नहीं। व्हेन इट कम्स टू ट्रेड रिसीवेबल, ये डेटर्स प्लस बिल रिसीवेबल की बात करते हैं भाई। तो याद रखना व्हेन इट कम्स टू ट्रेड रिसीवेबल, इसके अंदर डेटर और बिल रिसीवेबल दोनों काउंट होते हैं। ऐसे ही ट्रेड पेबल के अंदर क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल, ये दोनों काउंट होते हैं, तब जाके ये बनते हैं, और अदरवाइज तुम लोग गलती कर देते हो। ट्रेड रिसीवेबल ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियोज जो हैं, ट्रेड रिसीवेबल मतलब पैसा मिलेगा, पैसा किसका मिलता है, रिसीवेबल्स लिया है यानी जो पैसा नहीं मिला है, इसलिए सेल्स जो लेते हैं इसके लिए याद रखना हमेशा क्रेडिट सेल्स लेते हैं, टोटल सेल्स नहीं लिया जाता है, मतलब नेट सेल्स नहीं लिया जाता है, नेट क्रेडिट सेल्स लिया जाता है। ऐसे ही जो ट्रेड पेबल होता है उसमें नेट क्रेडिट परचेजेस ली जाती है। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल एवरेज ट्रेड पेबल्स जो आते हैं वो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2 से आते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अगर डेटर भी दिए हुए हैं और बिल रिसीवेबल भी दिए हुए हैं तो दोनों का टोटल लिया जाएगा, ओपनिंग में भी और क्लोजिंग में भी, इसके बाद डिवाइड बाय 2 कर दोगे तो एवरेज आ जाएगा। मतलब डेटर बिल रिसीवेबल का एक ओपनिंग बैलेंस होगा, एक डेटर बिल रिसीवेबल का क्लोजिंग बैलेंस होगा, दोनों को प्लस करोगे डिवाइड बाय 2 करोगे तब आपके एवरेजेस आएंगे, अदरवाइज एवरेजेस नहीं आ सकते। तो एवरेजेस लेकर ऊपर नेट क्रेडिट सेल्स या नेट क्रेडिट परचेजेस, रिसीवेबल्स है तो रिसीवेबल्स, परचेजेस तो परचेजेस के लिए पेबल्स, इसके थ्रू आपके आंसर्स आएंगे। ठीक है, हमने टोटल 10 फॉर्मूलेज यहाँ तक कर लिए हैं और आपको याद हो जाने चाहिए। इसके अंदर कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं आता है, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। चलो यार थोड़े से और बचे हुए, हमारे लिक्विडिटी हो ही चुके हैं, अब प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज और हैं वो निपटा लेते हैं और ख़त्म करते हैं। अब यार जो फाइनली हमारे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज हैं उनको करने से पहले मैं अगेन तुम्हें बोर करूंगा, और जितने ज्ञानी लोग हैं उन्हें लगेगा यार ये सर फिर चालू हो गए यार, ये कितना बोरियत करते हैं, बार बार एक ही चीज़ बार बार बुलवाते हैं यार। ठीक है भाई, तुम लोगों से मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन बेचारे वो बच्चे जिनको रेशियोज याद रखने हैं उनके लिए थोड़ा सा बेयर कर लो। चलो चालू करते हैं। पहला रेशियो कौन सा किया, करंट रेशियो। करंट रेशियो का फॉर्मूला करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। फिर कौन सा किया, लिक्विड रेशियो किया, मतलब टिपिकली लिक्विड रेशियो तो नहीं, हम उसे बोलते हैं लिक्विडिटी रेशियो या फिर एसेट टेस्ट रेशियो या जो भी तुम बोलना चाहते हो, क्विक रेशियो, वॉट एवर यू वॉन्ट टू कॉल इट। उसका फॉर्मूला क्या था, करंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस अपॉन करंट लायबिलिटीज। या हाँ, अगर तुमने बोला होगा अभी लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज तो वो भी सही है, लेकिन लिक्विड एसेट्स का मतलब आप जानते हो ना, करंट एसेट्स में से स्टॉक हटा दो और प्रीपेड एक्सपेंसेस हटा दो। ठीक है, ये दो हमारे थे लिक्विडिटी रेशियोज। उसके बाद हमने दूसरा कौन सा किया, सॉल्वेंसी रेशियोज। पहला किया उसके अंदर टोटल एसेट टू डेट रेशियो। टोटल एसेट टू डेट रेशियो का फॉर्मूला था टोटल एसेट अपॉन डेट। डेट कौन सा था, लॉन्ग टर्म डेट, जिसको एक और नाम देते हैं नॉन करेंट लायबिलिटीज। ठीक है, फिर दूसरा किया डेट टू एक्विटी रेशियो, उसका फॉर्मूला भी था डेट अपॉन एक्विटी। एक्विटी मतलब होता है शेयर होल्डर्स फंड, डेट मतलब होता है लॉन्ग टर्म डेट। लॉन्ग टर्म डेट का एक और नाम होता है यस नॉन करेंट लायबिलिटीज। ठीक है, फिर हमने उसके बाद एक और किया प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो मतलब शेयर होल्डर्स फंड, प्रोप्राइटरी रेशियो है ना, पहले प्रोप्राइटरी आ रहा है, मतलब प्रोप्राइटर मतलब होता है ओनर, ठीक है ना, तो उसी से रिलेटेड है, इसलिए शेयर होल्डर्स फंड अपॉन टोटल एसेट्स, ये भी कर लिया। फाइनली हमने उसमें किया था इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला था नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन इंटरेस्ट पेमेंट ऑब्लिगेशन या इंटरेस्ट पेबल, वॉट एवर यू वॉन्ट टू कॉल इट। उसके बाद ये फॉर्मूले होने के बाद, चार ये हो गए थे, दो पहले हो गए, छह फॉर्मूले हो गए, चार और बचे क्योंकि 10 कर लिए थे हमने, चलो वो बाकी भी चार करते हैं। वो थे हमारे टर्नओवर रेशियोज। पहला था हमारा कौन सा, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। फॉर्मूला था कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। याद हो गया था, बिल्कुल याद हुआ होगा, मैंने उसके अंदर जो भी कॉम्प्लिकेशंस बताई थी वो याद कर लेना। फिर हमारा उसके बाद था वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। वर्किंग कैपिटल का भी बहुत फॉर्मूला सिंपल था, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज करके निकाल लिया था, और जो फॉर्मूला था रेशियो का वो क्या था,
रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन वर्किंग कैपिटल. यहां पे सेल्स ली थी है ना, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. इससे पहले वाले फॉर्मूले में कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिया था, किसमें? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में. वहां पे कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन था, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो के अंदर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, ठीक है. उसके बाद किया ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज इन्वेंट्री. नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स. नेट क्रेडिट सेल्स के अंदर हमने सिर्फ क्रेडिट सेल्स ली थी, जो कि आपको मैंने बताई दिया था. एवरेज ट्रेड रिसीवेबल के अंदर डेटर और बिल्स रिसीवेबल दोनों के दोनों थे, ठीक है. फिर हमने किया ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, नेट क्रेडिट परचेजेस अपॉन एवरेज ट्रेड पेबल. नाउ व्हाट इज एवरेज ट्रेड पेबल? अगेन क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल का टोटल जो होता है वो ट्रेड पेबल्स होते हैं, उनका ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2. ये कर लिया था, ये हमारे 10 फॉर्मूले यहाँ तैयार हो गए. बाकी बचे हुए हैं 5, क्योंकि टोटल इन 15 हैं, वो बहुत आसानी से हो जाएंगे. चलो करना चालू करते हैं. जिसके अंदर पहला फॉर्मूला है हमारे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज के अंदर, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो. अब भाई ध्यान देना, क्योंकि जब मैं ये कराऊंगा तो बड़ा सिंपल तरीके से कराऊंगा, और उसके लिए आपको 11वीं कक्षा का ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बहुत अच्छे से याद होना चाहिए. अगर आपको याद होगा, जब अपन ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे तो उसके अंदर जो प्रॉफिट आता था वो कहलाता था ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है. अब आपको क्वेश्चन में कॉम्प्लिकेशन कैसा दे सकते हैं? आपको सीधे सीधे ग्रॉस प्रॉफिट ना दे, पहली चीज़ आपको दे सकते हैं भर भरा के चीज़ें. कैसे? आपसे बोले कि निकालो पहले कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, मतलब वो बोलेंगे नहीं निकालने को, लेकिन वो तरीका ऐसा दे देंगे, ग्रॉस प्रॉफिट डायरेक्टली ना दे, वो आपको दे दें एक तरफ नेट सेल्स, ठीक है भाई. आप नेट सेल्स दे दी, क्या करें अब इसका, मतलब मैं क्वेश्चन मार्क नहीं लगा रहा, आपको नेट सेल्स क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है. नेट सेल्स आपको दी हुई है और वो आपको कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालने को बोलेंगे. हमने इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के अंदर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालना सीखा, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक. ऐसे आप कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकाल लोगे, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक करके आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ जाएगा. नेट सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड माइनस करोगे, जैसे ही जो प्रॉफिट आता है वो कहलाता है, समझ गए ना, ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है. जैसे ही आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, क्वेश्चन में नेट सेल्स यानी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया है, क्योंकि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज एक्चुअली नेट सेल्स, अपॉन किया इनटू 100 किया, आपका आंसर आ गया. इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं आएगी. अब नेट प्रॉफिट रेशियो के अंदर याद रखना, कहीं पर लिख लो, मैं बोल रहा हूं ना, लिख लो, मतलब लिखो, कहीं पर भी लिख लो. अगर आपके CBSE का तरीका क्या बोलता है, अगर क्वेश्चन के अंदर टेक्स्ट दिया हुआ है तो नेट प्रॉफिट रेशियो निकालते वक्त नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लिया जाएगा. फिर से बोल रहा हूं, अगर आपके CBSE के मॉड्यूल्स को उठा के देखा जाए तो बोलते हैं कि क्वेश्चन में अगर टैक्स भी दिया हुआ है तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यहां पे लिया जाएगा, अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इनटू 100 करके निकाला जाएगा. अब नेट प्रॉफिट के लिए क्या कर सकते हैं, मान लो आपको क्वेश्चन में दे दें ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है भाई. ग्रॉस प्रॉफिट दे दिया तो आपको क्या करना पड़ेगा, मैं यहां पे लिख देता हूं, नेट प्रॉफिट निकालने के लिए ग्रॉस प्रॉफिट में से आपको माइनस करने पड़ेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस. अब यार इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन कौन से होते हैं, एम्प्लॉईज बेनिफिट एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन, फिर लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, मतलब लॉस क्यों बोल रहा हूँ, इनडायरेक्ट थोड़ी ना यार, फिर से बोल देते, चलो डेप्रिसिएशन बोल देते हैं, उसके बाद क्या बोलते हैं, एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंसेस बोल देते हैं, एडवर्टीजमेंट्स बोल देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस एक्सपेंसेस बोल देते हैं, ये सारी चीज़ें जो है ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होती हैं, ठीक है. फिर एक और चीज़ करना पड़ता है आपको, आपको नॉन ऑपरेटिव एक्सपेंसेस माइनस करने पड़ेंगे, जैसे लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी हो गया, ये आपको माइनस करना पड़ेगा, मतलब जो भी, मतलब जितने भी न्यूमरस टाइप ऑफ नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दिए होते हैं वो आप सारे माइनस करोगे. और एक और चीज़ आप ऐड करोगे, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, तब जाके आपका नेट प्रॉफिट आएगा. क्वेश्चन में ये कॉम्प्लिकेशन दे सकते हैं, आप जैसे ही ये कर लोगे आपके पास नेट प्रॉफिट आ जाएगा, आप पुट करोगे वैल्यू और आपका आंसर आ जाएगा. कहने का मतलब ग्रॉस प्रॉफिट में से सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस होते हैं. सर कैसे पता चलेगा सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस होते हैं जब ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं? ये लिखा हुआ है कॉस्टिंग में, जब कॉस्ट होती है ना, नेट सेल्स से माइनस करके बताया ना मैंने आपको, बोला था ना ग्रॉस प्रॉफिट कैसे आता है, नेट सेल्स माइनस COGS. तो जब कॉस्ट लेते हो तो कॉस्ट के अंदर सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंसेस लेते हो, जो फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंसेस होते हैं. फिर आप क्या करोगे, जब नेट प्रॉफिट निकालोगे तो ग्रॉस प्रॉफिट जो आ चुका था उसमें से जो ऑफिस रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं वो माइनस करोगे, वेयरहाउस रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं वो माइनस करोगे. जैसे वेयरहाउस रिलेटेड कैसे, कैरियज आउटवर्ड, पैकेजिंग, और उसके बाद क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वगैरह जो है आउटवर्ड के अलावा बाकी जो होती है वो सारी चीज़ें माइनस करोगे,
उसके बाद ये जो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं नेट प्रॉफिट निकालते वक्त वो भी माइनस होते हैं, जैसे मैंने आपको बताई दिया लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी वगैरह वगैरह, ये सब जो चीज़ें होती हैं। नॉन ऑपरेटिंग इनकम जो होती है वो आप ऐड करोगे, गेन ऑन सेल ऑफ प्लांट, गेन ऑन सेल ऑफ लैंड, गेन ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग, ये सारी चीज़ें आप ऐड करोगे, कमीशन रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, ये सारी चीज़ें ऑपरेटिंग इनकम ऐड करोगे तो आपका नेट प्रॉफिट आ जाएगा। जैसे ही आ जाए नेट प्रॉफिट पुट करो, अगर टैक्स भी दिया होगा तो वो टैक्स भी माइनस करोगे, फाइनल नेट प्रॉफिट यहाँ लिख के फॉर्मूले में लगा दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं, इसको आप नोट डाउन कर लो, मैं आगे आपको इन दो रेशियोज के अलावा बाकी जो तीन बचे हैं वो भी डिस्कस कर लें यार। तो फाइनली अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालना पड़ेगा, एंड बिलीव मी दिस इज वन ऑफ द इजिएस्ट फॉर्मूला विच यू कैन एवर लाइक रिमेंबर और मेमोराइज। मैंने आपको ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट रेशियो बता दिया, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला था ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इन 200, नेट प्रॉफिट का था नेट प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इन 200, पता नहीं मैंने लिखा था कि नहीं मगर इन 200 याद रखना। ठीक है, उसके बाद रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड, ये पहले भी अपन कर चुके हैं, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में यही वाला हमें नेट प्रॉफिट लेना पड़ता है, अपॉन कर देंगे बस डिफरेंस आ जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड का। एंड व्हाई इट इज अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, याद करो ये गुडविल में भी हमने कहीं कहीं यूज किया था, अब वो ठीक है ज्यादा कॉम्प्लिकेशन में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है, मैं आपको सिखा चुका हूं अभी, जब रेशियोज अभी सिखा रहा था तो मैंने आपको बोला था कैपिटल एम्प्लॉयड के अंदर दो चीजें आती हैं, एक होता है डेट और दूसरा होता है एक्विटी, और मैंने उस वक्त आपको इसलिए ही सिखा दिया था ताकि आपको कैपिटल एम्प्लॉयड का पता चल जाए। और मैंने आपको सिखाया है कि जब भी मैं डेट लिखता हूँ यहाँ पे किसी भी फॉर्मूले में तो जल्दी बताओ वो डेट कौन सा होता है, लॉन्ग टर्म होता है, सिखाया था। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि डेट मैं जब भी बोलूँगा यहाँ पे किसी भी तरीके से तो वो लॉन्ग टर्म ही होगा, करंट लायबिलिटी को मैं हर पर्टिकुलर फॉर्मूले में करंट लायबिलिटी बोलूंगा, लेकिन जहां मैं करंट लायबिलिटी नहीं बोल रहा हूं किसी भी फॉर्मूले में डेट बोल रहा हूं तो कहीं पे भी नोट कर लो, वेन एवर इन अ फॉर्मूला डेट इज टू बी टेकन, डेट विल ऑलवेज बी लॉन्ग टर्म, या इसे एक और नाम दे सकते हो नॉन करंट लायबिलिटी अगर आपको वैसे याद नहीं रहता है तो। ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड ले लिया, सिखा चुका हूं, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड कैसे निकालना है वो भी सीख चुके हैं, तो एक फॉर्मूला और याद हो गया। चलो 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 वापस से करते हैं, नहीं नहीं पूरे 10 फॉर्मूले नहीं कर रहे इस बार सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी में कर रहे, कौन से तीन सीखे, पहला ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, फॉर्मूला बोलो जल्दी से बिना देखे, देखो चीटिंग नहीं करना वरना मजा नहीं आएगा, जल्दी बताओ मैंने क्या फॉर्मूला याद करवाया, मैंने बोला ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इन 200, फिर मैंने बोला नेट प्रॉफिट का फॉर्मूला, क्या नेट प्रॉफिट के क्वेश्चन में अगर टैक्स दिया है तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालना है, जी हाँ नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालना है, उसका फॉर्मूला क्या बताया हमने, नेट प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इन 200 सीख लिए थे। ठीक है, अब उसके आगे क्या किया, जल्दी 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 सोचो यार उसके आगे क्या किया, हाँ हाँ अच्छा हाँ उसके आगे तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन किया, सॉरी उसके आगे हमने किया रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यार मैं क्या बोल रहा हूँ पता नहीं, हाँ हो गया शायद 20 दिन के प्लेज खत्म होने वाला है तो थोड़ा सा दिमाग खिसक गया, हाँ तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के अंदर क्या किया हमने, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इन 200 कर दिया, इससे हमारा क्या निकल आया, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकल आया, फिर से नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैपिटल एम्प्लॉयड इन 200। ठीक है, चलो नेक्स्ट फॉर्मूले पे बढ़ते, हाँ भाई तो यार ये ऑपरेटिंग रेशियो क्या होता है, ऑपरेटिंग रेशियो ये बताता है कि हमारी ऑपरेशनल एफिशिएंसी कितनी अच्छी है, ऑपरेशन जानते हो डॉक्टर ऑपरेशन करता है, मतलब डॉक्टर जो ऑपरेट करता है, मतलब डॉक्टर अपना जब काम करता है, ऐसे जब कंपनी भी अपना काम करती है तो कंपनी के भी ऑपरेशंस कहलाते हैं, हाँ ठीक है लॉजिक इनसेन है बट हाँ तरीका यही होता है याद रखने का, तो जो कंपनी के ऑपरेशंस होते हैं कंपनी एक्चुअल में देखती है कि ऑपरेशंस का मतलब उसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट, उसके काम करने की कॉस्टिंग कितनी आ रही है, बिकॉज कंपनी इज ऑल अबाउट मनी, तो कंपनी अपना ऑपरेशन कैसे देखती है, बाय देयर कॉस्ट बेसिकली, तो कॉस्टिंग से देखा जाए तो दो तरह की कॉस्टिंग लगती है, जो जेन्युइन कॉस्टिंग कंपनी के ऑपरेशन में लगती है, कंपनी के कामकाज में लगती है, यू आर गेटिंग माय पॉइंट, कंपनी का कामकाज मतलब सीधी बात है, कंपनी जितना काम करेगी कंपनी उसको गिनेगी, कंपनी जो काम नहीं करेगी उसको नहीं गिनेगी, समझ में आया, देखो क्या करना है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब क्या किया हमने, लिया कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब वो ट्रेडिंग अकाउंट की चीज है जिसको हम एक और नाम देते हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, हमने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ले लिया, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के अंदर हम बाकी जो नेट प्रॉफिट निकालते वक्त खर्चे लेते हैं उसमें से सिर्फ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को छांट लेंगे और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को ले लेंगे, मतलब ट्रेडिंग के पूरे खर्चे ले लिए, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मतलब क्या हुआ, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बोलो या कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बोलो, मैंने ओपनिंग स्टॉक लिया,
मैंने उसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस को ऐड किया, मैंने उसमें अच्छा चलो वैसे बोल देता हूँ, मैंने ओपनिंग स्टॉक लिया, मैंने नेट परचेजेस को ऐड किया, मैंने डायरेक्ट एक्सपेंसेस को ऐड किया, मैंने क्लोजिंग स्टॉक को माइनस किया, मतलब मैंने ट्रेडिंग अकाउंट के सारे खर्चे को ले लिया किसके अंदर, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस के अंदर। उसके अलावा फिर जब ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता था, मतलब बता रहा हूँ, फिर नेट प्रॉफिट निकालते वक्त और भी खर्चे आते थे, लेकिन उन खर्चों में से मैंने फिल्टर कौन से खर्चे किए, सिर्फ ऑपरेटिंग खर्चे। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मतलब वो जो ऑपरेशंस रिलेटेड है, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, कैरिएज आउटवर्ड्स, सैलरी पेमेंट का, रेंट पेमेंट का, इंटरेस्ट पेमेंट का, डेप्रिसिएशन क्यों लेते हैं वो भी बताऊंगा, उसके बाद यार वो एडवर्टीजमेंट मैंने बता ही दिया शायद, इलेक्ट्रिसिटी पेमेंट वगैरह, फिर प्रोविजन फॉर बैड डेट वगैरह, मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि बिजनेस के ऐसे बहुत सारे ऑपरेटिंग खर्चे होते हैं जो लिए जाते हैं। अब सर डेप्रिसिएशन को क्यों लिया जाता है? देखो डेप्रिसिएशन को लेने का कारण है, डेप्रिसिएशन का मतलब होता है फॉल इन द वैल्यू ऑफ मशीनरी ड्यू टू इट्स रेगुलर वेयर एंड टीयर और यूसेज। अब डेप्रिसिएशन मशीनरी का मतलब है, मशीन पे डेप का लगने का मतलब है हम हर साल मशीन की वैल्यू को कम करते जा रहे हैं थोड़ा 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 करके। तो सर उसे ऑपरेटिंग क्यों माना? क्योंकि मशीन की वैल्यू कम हो ही इसलिए रही है क्योंकि हम मशीन को ऑपरेट कर रहे हैं, मशीन को यूज कर रहे हैं। नहीं, अगर मशीन रखी रहेगी तो भी वैल्यू कम होगी, लेकिन अभी हम बात क्या कर रहे हैं कि एक कंपनी रनिंग है, एक कंपनी ऑपरेट कर रहा है, अपनी एक्टिविटीज ऑपरेट कर रहा है, तो जो मशीन को यूज करता है हर साल डेप्रिसिएशन को जब वो ले रहा है तो वो ये ले रहा है कि भाई इतने का रॉ मटेरियल गया और इतने कॉस्टिंग की मशीन यूज हुई, ये दोनों मिला के टोटल कॉस्टिंग हुई और ये रिजल्ट रहा आपके सामने। इसलिए हम डेप्रिसिएशन को एज अ ऑपरेटिंग कॉस्ट मानते हैं, डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट मानते हैं, इसलिए पीएनएल का पार्ट बनाते हैं और उसे एज एन ऑपरेटिंग एक्सपेंस डेप्रिसिएशन को हम जोड़ते हैं। ये चीज हमेशा दिमाग में रखना। अपॉन कर लिया रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, इनटू 100 कर दिया, मैंने आपको बता दिया ऑपरेटिंग खर्चे क्या होते हैं। अब यार ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो क्या है वो भी एक बार समझ लेते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो होता है, सीधी सीधी बात है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट होल अपॉन नेट सेल्स, या नेट सेल्स नहीं लिखते हैं तुम लोग कंफ्यूज हो गए, लिख देते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इनटू 100। अगर हम इस तरीके से डायरेक्टली निकालेंगे तो आंसर हमारा कैसे आएगा वो जरा सुन लो। देखो यार क्वेश्चन में कभी भी आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो दिया नहीं होगा, क्वेश्चन में आपको दिया होगा नेट प्रॉफिट। आप नेट प्रॉफिट जो भी दिया हुआ हो क्वेश्चन में उसमें क्या करो आप उसमें से, देखो यार नेट प्रॉफिट जो आता है मैं आपको थोड़ी देर पहले सिखा चुका था कि इसमें से नॉन ऑपरेटिंग इनकम उसमें ऐड हो जाती है और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस हो चुके होते हैं। लेकिन ऑपरेटिंग का मतलब है जो भी नॉन ऑपरेटिंग लिया है उसका रिवर्स इंपैक्ट दिखा दो, उसका उल्टा इंपैक्ट दिखा दो, उसको नलिफाई कर दो, क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब वही शुद्ध लाभ लेना है जो हमने अपनी एक्टिविटीज से कमाया है। इसलिए जो भी चीज नॉन ऑपरेटिंग थी उसे निस्तनाबूद कर दो, उसे खत्म कर दो। अब वो कैसे करें? देखो यार नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, मैं इसमें से नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जब भी नेट प्रॉफिट निकाला होगा मैं इसमें से नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस कर चुका हूँगा, क्योंकि नेट प्रॉफिट का मतलब है जितना भी खर्चा है, जैसा भी खर्चा है, ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग मंगल ग्रह से रिलेटेड कुछ भी हो सब माइनस कर दो, जैसी भी इनकम हो, कहीं से भी कमाया हो, चोरी करके भी लेके आया हो, सब प्लस कर दो। मतलब नेट प्रॉफिट के अंदर सब कुछ आ जाता है, तो नेट प्रॉफिट के अंदर से हम नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस कर चुके होंगे। अब अगर मुझे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो मैं माइनस कर चुका हूं उसका इफेक्ट नलिफाई करना है, तो पहले माइनस किया था, तो अब अगर मैंने नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को दोबारा प्लस कर दिया तो वो क्या हो जाएगा, उसका जो इफेक्ट है वो नलिफाई हो जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज क्या करें, जो नॉन ऑपरेटिंग इनकम थी मैं उसे पहले क्या कर चुका था यार, नॉन ऑपरेटिंग इनकम को पहले प्लस कर चुका था, अब अगर उसका भी इफेक्ट मुझे नलिफाई करना है तो मैं नॉन ऑपरेटिंग इनकम जो है भाई मेरी उसको माइनस कर दूंगा तो उसका इफेक्ट भी नलिफाई हो जाएगा। मतलब अगर मैंने ऐसा कर दिया तो मेरे पास जो प्रॉफिट आएगा वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट होगा। फिर से ऑपरेटिंग प्रॉफिट में मैंने नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को ऐड क्यों किया, ताकि उनका इफेक्ट नलिफाई हो जाए, क्योंकि नेट प्रॉफिट निकालते वक्त मैंने वो खर्चे माइनस किए थे, अब प्लस कर दिया तो जो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं वो एक तरीके से इनडायरेक्टली जीरो हो चुके हैं, और जो नॉन ऑपरेटिंग इनकम थी मैंने उसको पहले प्लस किया होगा, अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालते वक्त उसको माइनस कर दूंगा तो मेरा जो प्रॉफिट आ जाएगा वो सिर्फ ऑपरेटिंग प्रॉफिट होगा, वो शुद्ध लाभ होगा जो मैंने सिर्फ अपनी मेहनत से कमाया है। क्या क्लियर है ये चीज? कोई दिक्कत तो नहीं है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इनटू 100 कर दोगे आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये कहलाया ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इनटू 100, ये है ऑपरेटिंग रेशियो। मैं इसको हटा रहा हूं और आपका एक बार रिवीजन करवा रहा हूं।
चलो भाई फाइनली क्या क्या सीखा जल्दी से, ये 5 रेशो और रिवाइज कर लो, बाकी के 10 रेशो मैं अच्छे से करवा चुका हूँ। एक बार जो हमारे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज हैं उसको रिवाइज करते हैं। पहला हमने किया ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इनटू 100, मैं सारी कॉम्प्लिकेशन समझा चुका हूँ। फिर हमने किया नेट प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इनटू 100, हमेशा नीचे सेल्स फिगर लिए जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमने तीसरा जो किया वो किया रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में हमने किया नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड के अंदर डेट और इक्विटी लिया जाता है, डेट मतलब लॉन्ग टर्म मतलब नॉन करेंट लाइबिलिटीज इन 200, 3 निकाल लिए। फिर हमने किया इसके अंदर नेक्स्ट जो था हमारा ऑपरेटिंग रेशियो, मतलब ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो का मतलब था कि हमें ऑपरेशंस की वैल्यू निकालनी है, तो उसके अंदर हमने लिया कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस किए ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, डिवाइड किया रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। फिर हमने लास्ट निकाला जो वो हमारा था ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला था ऑपरेटिंग प्रॉफिट, वो प्रॉफिट लो जो हमने मेहनत से कमाया है, काम करके कमाया है, अपॉन में अपन ने लिया था रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मल्टीप्लाइड बाय कर दिया इन 200, हमारा आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। आई होप आपको काफी मजा आया होगा इसके अंदर, हमने पूरे रेशियोज आपको याद करवाए हैं, टोटल 15 रेशियोज इन टोटल हमने याद किए हैं, उनकी इंप्लीकेशंस कैसे क्वेश्चंस ट्विस्टेड पूछे जा सकते हैं, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आप फेस कर सकते हो, क्योंकि हमें मालूम है साल भर में आपने पढ़ा है, लेकिन बस वो छोटी छोटी चीजें थी जो आज हमने बताई हैं वो आपकी डाउट्स को क्लियर कर चुकी होंगी। फिर से बोलूंगा आई होप आपको समझ में आया होगा, आई होप आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे, आई होप आपका रिवीजन हुआ होगा। तो दोस्तों चलिए फिर, तब तक के लिए बाबा जी की तरफ से धन्यवाद।